नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 7 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। कांग्रेस का जदयू के प्रति हुआ हृदय परिवर्तन। पटना में जलजमाव को लेकर कांग्रेस के तेवर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर नरम, तो वहीं बीजेपी पर गर्म है। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने नीतीश राग अलाप कर कहा है कि नगर विकास विभाग अगर जदयू के पास होती तो शायद पटना की ऐसी बदतर तस्वीर ना होती। इसके अलावा सदानंद सिंह ने यह भी कहा कि राजधानी के डूबने की असली वजह बीआरजेपी का बुडको में विलय व प्रशासनिक विफलता है, लेकिन यह देखकर आश्चर्य होता है कि सरकार में बैठे लोग बिहार के इस हालत पर जवाबदेही देने से क्यों बच रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पटना डीएम ने किया राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण। बिहार के कारण हुए जलजमाव से लोगों को दिए जा रहे सामग्रियों का निरीक्षण डीएम कुमार रवि ने किया। डीएम ने बताया कि पुनपुन नदी एवं अन्य नदियों के अत्यधिक जल प्रवाह होने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ पंचायतों में बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि 33 स्थानों पर सामुदायिक कम्युनिटी किचन चल रहा है, जहां रात दिन लोगों को मुफ्त भोजन पानी एवं बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। अब नहीं बिकेंगे बिना हॉल मार्किंग के गहने। बिना हॉल मार्किंग के गहनों को बेचा नहीं जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय ने सोने के आभूषणों के लिए वीआईएस हॉल मार्किंग को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सूचित करने के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा। दशहरा के मौके पर नहीं झेलनी पड़ेगी बिजली की समस्या। दुर्गा पूजा के अवसर पर इस बार लोगों को बिजली की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिजली विभाग ने पूजा के दौरान बिजली बिना किसी रुकावट के लोगों को मुहैया करवाने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी तक किसी भी पूजा पंडाल ने बिजली आपूर्ति के लिए विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली है, जिसके पश्चात पंडाल धारकों की लोड वितरण की पूर्व योजना पर बेशक असर पड़ सकता है। अगले 3 दिनों तक पूरे शहर में चलाया जाएगा विशेष सफाई अभियान। दशहरा के अवसर पर आने वाले 3 दिनों तक शहर में नगर निगम विशेष सफाई अभियान चलाने जा रहा है। उपनगर आयुक्त सह सफाई प्रभारी अजय कुमार ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा है कि यह विशेष सफाई अभियान 7 से 9 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत शहर के मुख्य मार्गों की सफाई 3 पालियों में होगी। मुख्य मार्गों पर 25 सफाई कर्मी को लगाया जाएगा। दशहरा का मेला देखने आए लोग खाने पीने के बाद कागज के प्लेट, गिलास आदि चीज सड़क पर ही फेंक देते हैं। इसे मुख्य रास्तों पर कचरे का ढेर लग जाता है, इसलिए नगर निगम ने इस अभियान को चलाने का फैसला लिया है। सहरसा रेलवे स्टेशन स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रैंकिंग में 218वें स्थान पर। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रैंकिंग में सहरसा स्टेशन लगातार ऊपर के पायदान पर बढ़ रहा है। आपको बता दें, 2 सालों के अंतर्गत सहरसा स्टेशन की रैंकिंग 105 रैंक ऊपर चली गई है। वहीं इस साल 71 रैंकों का फासला तय करते हुए कोसी क्षेत्र के सबसे बड़े स्टेशन सहरसा ने देश भर में 218वां रैंक हासिल किया है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में 100-100 अंकों की होगी परीक्षा। सिपाहियों के भर्ती के लिए 11,880 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए केंद्रीय चयन परिषद ने सिपाही पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर बताया है कि इच्छुक अभ्यर्थी 5 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आपको बता दें, ये बहालियां बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस विशेषीकृत व इंडिया रिजर्व बटालियन और बिहार राज्य औद्योगिक की सुरक्षा बटालियन के लिए है। अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार पद के लिए अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं। बाढ़ प्रभावित की मदद के लिए नेपाली नगर पहुंचे पप्पू यादव। पटना में जलजमाव से प्रभावित इलाकों में जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव का मदद अभियान आज 7वें दिन भी जारी रहा। पप्पू यादव ने आज दानापुर के गोला रोड, नेपाली नगर, राजीव नगर, दिघा, भागवत नगर, राजेंद्र नगर समेत कई इलाकों में जाकर लोगों को राहत सामग्री मुहैया करवाई। नेपाली नगर में पप्पू यादव ने एक शख्स को अपने कपड़े तक उतार कर दे दिए। उस शख्स ने बताया कि पानी में उसके पूरे परिवार का कपड़ा खराब हो गया है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वह पूरे परिवार के लिए एक साथ कपड़े नहीं खरीद सकता। गंगा में नहीं किया जाएगा कोई भी विसर्जन। दुर्गा पूजा के अवसर पर माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को कारीगर भव्य और सुंदर बनाते हैं, लेकिन पूजा के समाप्ति के तुरंत बाद मूर्तियों के विसर्जन की अलग समस्या खड़ी हो जाती है। बड़ी बड़ी मूर्तियों के नदी में विसर्जन से नदी प्रदूषित और मैली हो जाती है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार के निर्देश पर भागलपुर जिला प्रशासन गंगा में प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए प्रशासन तालाब और पोखर की तलाश में जुट गया है। इसके साथ ही जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि मूर्तियों में केमिकल और प्लास्टिक के कण मौजूद होते हैं, इसलिए इसका विसर्जन गंगा नदी में नहीं किया जाएगा। निरहुआ हिंदुस्तानी क्लब आगे आई बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए। बिहार में हुई बारिश के बाद पटना का कंकड़बाग और राजेंद्र नगर बुरी तरह जलमग्न है।
भारी जलजमाव के कारण लोगों के बीच खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। कई लोग बारिश में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अब भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की ओर से भी निरहुआ हिंदुस्तानी क्लब ने राजेंद्र नगर के जलजमाव वाले एरिया में राहत कार्य चलाया गया है और लोगों के बीच खाने पीने की सामग्री के साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल की चीजों का भी वितरण किया गया है। दुर्गा पूजा के बाद ही खोले जाएंगे सभी स्कूल कॉलेज। बिहार में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पटना में अभी जलजमाव के कारण लोग अपने ही घरों में फंसे हुए हैं। ऐसे में पटना के डीएम कुमार रवि ने जलजमाव के कारण बंद हुए स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी अब और बढ़ा दी है। अब सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल दुर्गा पूजा के बाद ही खुलेंगे। बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बिहार में 6 SC/ST आवासीय विद्यालय के निर्माण का हुआ फैसला। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें बिहार में 6 SC/ST आवासीय विद्यालय के निर्माण का फैसला हो चुका है। इसमें 4 SC एवं 2 ST के आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जिसके लिए कुल 306 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। पुनपुन नदी की 11 बांधों के टूटने से डूबे कई गांव। पुनपुन नदी के जलस्तर के घटने से सुरक्षा तटबंध टूटने की संभावना तो कम हो गई है, मगर पुनपुन के रिंग बांध के टूटने की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले पुनपुन नदी में अचानक उफान आ जाने की वजह से पटना में बाढ़ आने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन जलस्तर में कमी आने के कारण बाढ़ की संभावना टल गई है। 4.5 लाख शिक्षकों को मिलेगा EPF का फायदा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार अब राज्य के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को EPF का फायदा मिलेगा। EPF की सुविधा न मिलने के कारण भोजपुर, औरंगाबाद और अन्य जिलों के कुछ शिक्षकों की ओर से पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने 17 सितंबर 2019 को प्रारंभिक से लेकर +2 तक के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को EPF और MP1 1952 का लाभ देने का निर्देश न्यायालय ने दे दिया था। BPSC 65वीं PT की परीक्षा की तारीख में नहीं किया जाएगा कोई बदलाव। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC 65वीं PT की परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं करेगा। ज्ञात हो, बिहार के कई जिलों में हुए बारिश के कारण जल जमाव हो चुका है, जिसके बाद छात्रों ने परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी। आपको बता दें, आयोग ने कहा है कि 10 अक्टूबर के बाद जल जमाव वाले क्षेत्रों में केंद्रों की समीक्षा की जाएगी। स्थिति सामान्य रहने पर केंद्र में बदलाव नहीं होगा। यह परीक्षा निर्धारित तारीख 15 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक 35 जिलों के 718 केंद्रों पर ही होगी। महाअष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे शीतला मंदिर। शारदीय नवरात्रा के महाअष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगमकुआ स्थित मां शीतला मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां शीतला की पूजा अर्चना की, जहां मंदिर के पुजारी ने मुख्यमंत्री को चुंदरी पहनाकर उनका सम्मान भी किया। दर्शन के दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव भी मौजूद थे। महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचे बापू टावर का काम हुआ शुरू। बिहार की धरती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बिहार का सबसे ऊंचा टावर बनने जा रहा है। 120 फीट ऊंचा टावर बनने का काम शुरू कर दिया गया है। इस टावर का नाम बापू टावर रखा गया है। इसके निर्माण में कुल मिलाकर 124 करोड़ की लागत आएगी। इसके निर्माण का जिम्मा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को दिया गया है। महागठबंधन के हुए टुकड़े, अब डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि पर होंगे इकट्ठे। महागठबंधन के घटक दल 12 अक्टूबर को बापू सभागार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर ही एक मंच पर दिखने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे उपचुनाव को लेकर एक मंच पर प्रचार करने नहीं आएंगे, जिसके संबंध में VIP के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने चुनाव प्रचार को लेकर बताया कि जब हमें बुलाएंगे तब हम आएंगे। पटना इस कारण स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। पटना में जलजमाव के एक और भी कारण सामने आया है, जिसके बारे में पटना की मेयर सीता साहू का प्रतिनिधित्व कर रहे उनके बेटे शिशिर कुमार ने बताया कि लगभग जितनी भी बैठक होती है उनके लिए सभी सांसद व विधायक को बैठक के भाग लेने की सूचना 72 घंटे पहले ही रजिस्टर्ड डाक के द्वारा दी जाती है, एवं बैठक समाप्त होने पर बैठक की सभी प्रोसेसिंग भी आम सदस्यों की तरह ही भेजे जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कई नेता, विधायक एवं अन्य वार्ड पार्षद भी बैठक में भाग नहीं लेते हैं, जिसके परिणाम में हालात ये है कि किसी को ड्रेन का नक्शा नहीं पता, न ही निगम को कोई भी सही जानकारी है, और इसके परिणाम जनता झेल रही है पानी से भरे इलाकों में रहकर। जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने सीएम नीतीश कुमार का किया समर्थन। केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता गिरिराज सिंह के नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी के मामले को लेकर जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि गिरिराज सिंह कभी भी सीएम नीतीश कुमार की पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पटना के हालात के लिए सिर्फ भाजपा ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब से जदयू और भाजपा का गठबंधन हुआ है तब से राज्य का शहरी विकास गठबंधन सहयोगी के पास है। BPSC ने परिणाम किया जारी। बिहार न्यायिक सेवा 30वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम BPSC ने जारी कर दिया है,
जिनमें कुल 1080 छात्रों को सफल किया गया है। अब इसके बाद चयनित छात्रों को अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। बता दें कि यह परीक्षा 7 से 12 जून तक आयोजित हुई थी। नवादा जिले में बाढ़ के पानी से टूटा डैम का बांध। नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड में डैम का बांध टूट जाने से क्षेत्रीय इलाकों में कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, जिसके कारण अनाज की फसल बर्बाद होने के साथ ही लोगों को बेघर होना पड़ा और कई बीमार भी हैं। जिसे लेकर ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने वहां के स्थानीय पदाधिकारी को सूचना भी दी है, परंतु वहां से किसी ने भी निरीक्षण तक नहीं किया। सीएम नीतीश कुमार की लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने की बड़ाई। एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार के विपक्षी दलों ने उनका विरोध करते हुए कई बयानबाजियां करते नहीं चुके हैं, वहीं लोजपा सुप्रीमो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सीएम नीतीश कुमार का खूब गुणगान किया है, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव परिणाम आने से पहले ही सीएम नीतीश को बधाई भी दी और कहा कि आपने अपने कुशल नेतृत्व से न सिर्फ जदयू को नई ऊंचाइयां दी हैं, बल्कि राज्य के मुखिया के तौर पर अपने सुशासन की नई परिभाषा भी लिखी है। रोहित शर्मा ने एक बार फिर रचा इतिहास। जब रोहित शर्मा का बल्ला बोलता है तब सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो जाते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने जमकर बल्लेबाजी की। मैच के चौथे दिन रोहित शर्मा 127 रन की पारी खेलते हुए रोहित टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज के रूप में अपने पहले टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 142 साल के इतिहास में रोहित यह कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज हैं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का नीतीश कुमार के लिए होली गीत। बिहार में बाढ़ व जलजमाव के कारण लोग परेशान हैं। इसे लेकर सियासी गलियारों में भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बिहार की स्थिति पर पहली बार राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इसमें कुछ लोग पटना में जलजमाव पर तंज कसते हुए जोगीरा गा रहे हैं। आपको बता दें, जोगीरा होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। अपने ट्वीट में तेज प्रताप ने लिखा है, अपना पटना सुंदर होगा सुशासन बाबू की वाणी, पटना इतना सुंदर बन गया कि घर घर घुस गया पानी, बोलो जोगीरा सारा रारा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।